قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم روى البخاري ومسلم رحمة الله عليهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال صلى الله عليه وسلم मोज़ज़ हाज़िरीन, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों और इस्लामी माँ और बहनों, सबसे पहले मैं अपने नफ्स को और आप तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के तक़वे की वसीयत करता हूँ, इसलिए कि तक़वा वो चीज़ है जिसकी वसीयत अल्लाह ताला ने हमसे पहले लोगों को भी की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुतबे हाजा मुख्तलिफ़ मौक़ों पर पढ़ा करते थे, उसमें भी माशाल्लाह तक़वे का ज़िक्र है। तक़वा ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम हालात का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। तक़वे के ज़रिए हर मुश्किल चीज़ आसान होती है, और तक़वे के लिए दो बातें कहना काफ़ी है। अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों के साथ है, फरमाया इन्नल्लाहा मअल्लज़ीन तक़व वल्लज़ीन हुम मुहसिनून। इसी तरीके से मुत्तकी लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है, कहा इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन। आज के खुतबे में एक बात आपके सामने बताएंगे, मौजू है नहूसत और बदफाली का अकीदा और इस्लाम। आप जानते हैं जैसे सफ़र का महीना आता है, हमारे पास से उम्मत मुस्लिमा बिदत और खुराफत का शिकार हो जाती है, और ये चूँकि हम तकरीबन 18% हैं इंडिया में, हम 88% गैर मुस्लिम हैं, उनके अकायद से, उनके रसूम और रिवाज से, उनके बातुल अफकार और नज़रियात से हम बहुत मुतासिर होते हैं। लिहाजा आज के खुतबे में ये नहूसत क्या है, बदफाली क्या है, इसकी क्या हकीक़त है, कौन लेता है, शक्लें क्या हैं, उसका असर हमारे ऊपर क्या होता है, ये क्यों पैदा होती है, इसका इलाज क्या है, उसकी शक्लें क्या हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के इरादे और मशीयत से जो है इस बारे में इजहार ख्याल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा में इस्लामी कैलेंडर के बारे में एक बात बताई। अल्लाह ने कहा इन इद्दत शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह, अल्लाह ताला की किताब में जिस वक्त से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया है दुनिया में 12 महीने हैं। ये 12 महीनों में पहला महीना मुहर्रम का है, दूसरा माना सफ़र का है। हमारे कैलेंडरों में आप देखें मुहर्रम के साथ हराम लिखा है, सफ़र के साथ अलमुज़फ़्फ़र लिखा है। मैं समझता हूँ ये सफ़र को सफ़र ही कहना चाहिए, मुजफ़्फ़र का मतलब कामयाबी आती है। शायद लोगों ने इस महीने में जो नहूसत और बदफाली लेते उस पर रद्द करने के लिए शायद लिखा है, मगर सफ़र कहना ही बेहतर है। मुदस हाजरीन, इस सफ़र को सफ़र क्यों कहते हैं, उसकी वजह भी माशाल्लाह उलमा ने मुकम्मल तौर बताई, इंशाल्लाह उसके आगे हम जिक्र करेंगे। देखिए हमारे पास एक मुशरिकाना अकायद और रसूम रिवाज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लिहाजा हम देखते हैं कि खुसूसन बिजनेसमैन, ये हमारे पास जो फाड़ने के कैलेंडर था ना छोटा, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसमें तारीख़ नहीं होती, हिंदुओं की तारीख भी होती है। ये गोश्त काटने वाले और दूसरे बिजनेसमैन ख़ास तौर पर उसे अपने दुकानों में रखते हैं। गैर मुस्लिमों के शाया किए हुए कैलेंडर को लेकर हमारा अकीदा कैसे ख़राब होता है, देखो उसमें लिखा है फ़लाँ तारीख को सुबह 6 बजे से 12 बजे तक बुरा वक्त है, दुकान खोलता नहीं। और हमारे पास कुछ खसाब भी ऐसे हैं जो बोलते बुरा वक्त है भाई गोश्त नहीं काटना, ये सब क्या, याद रखिए बुरा वक्त अच्छा वक्त कुछ भी नहीं है। लिहाजा इस बातिल अकीदे से हमें मुकम्मल तौर पर क्या नहीं होना चाहिए, मुतासिर नहीं होना चाहिए। सफ़र को सफ़र क्यों कहते हैं, उलमा ने उसकी दो चौजी बताई, कहा लिसफा लौली इसफार मक्का मिन अहलिहा ऐ खुलुवुहा मिन अहलिहा। क्या करते थे कुफ्फारे मक्का, सफ़र का मानी खाले होने का आता है। कुफ्फारे मक्का क्या करते थे, अपने घरों से अपने घरों को खाली करते थे। यहाँ भी है वो पता नहीं क्या क्या नाम है, तमिलनाडु में वो आड़ी का महीना बोल के आता, लोग क्या भी नहीं कहते, यहाँ पता नहीं कनाडा में क्या नाम बोलते उसे, भाव जो है वो सास से नहीं मिलती, सास बहू से नहीं मिलती, अगर मिलना हो तो बाहर से वापस चल जाना, पता नहीं क्या क्या अकायद हैं, इस तरीके से होता है। और उसी तरीके से बाज़ उलमा ने सफ़र के वजह तस्मिया बयान करते हुए कहा कि अरब लोग लड़ने जाते थे, किसी के पास से माल ले लेते थे और उसको खाली छोड़ देते थे, लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के महीने में एक बात बताई। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ें बयान फरमाईं।
आपने कहा ला अदवा, कहा कोई भी बीमारी मुतादी नहीं होती। हमारे पास करोना है तो क्या करें लोग, एक तरफ एहतियात करना अलग है लेकिन बीमारी लगती किससे है? अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म ही से लगती है। दूसरी चीज़ आपने फरमाया वला तियारा, कहा शरीयत में किसी भी चीज़ से बदफाली लेने और नहुसत की गुंजाइश नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी में फरमाया वला सफ़र, लोगो सफ़र के महीने को मनहूस न जानो। इब्न उसैमिन रहिमहुल्लाह वला सफ़रा की तशरीह करते हुए कहते हैं वला सफरा की दो तशरीह की गई, एक तशरीह यह है सफर के महीने को हमें मनहूस नहीं समझना चाहिए, सफर के महीने में हमें बदफाली नहीं लेना चाहिए, एक माना यह बयान किया। दूसरा माना बयान करते हुए शेख रहिमहुल्लाह फरमाते हैं सफर का मतलब ऊंट के पेट में एक बीमारी होती, लोग उससे डरते रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। आजकल तो हमारे मुआशरे में हाल ऐसा है, बीवी शौहर को मनहूस समझती, शौहर बीवी को मनहूस समझता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या था देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जिस बर्तन में जिस गिलास में पानी रखकर पीते, आयशा देख ले को रहती, अल्लाह के नबी अपना मुबारक मुंह कहां रखे वहां से रखकर पानी पीती। लेकिन आजकल की बीवियों में यह मोहब्बत नहीं है जो आयशा के अंदर थी। क्या करती बीवी, शौहर पानी पी को रखा तो हालांकि पी लेना हो, माशाल्लाह हम अपने क्लासों में सब देखते हैं बच्चों को पढ़ाते हुए, अगर उस्ताद पानी पी के रख के तलबा लड़ लेते मैं पी लेता हूं पानी, माशाल्लाह इल्म आता उस्ताद का बोल के। लेकिन आजकल वैसा हाल नहीं है। औरत क्या करती, शौहर जहां पानी पिया है पूरा पानी फेंक दल को खंगाल को दोबारा उसमें पीती है। लिहाजा बीवी को जो है शौहर को जो है ये मनहूस नहीं समझना चाहिए, और शौहर को भी चाहिए कि वो अपने बीवी को मनहूस ना समझे। याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में दो चीजें रखी हैं, एक खैर है एक शर है। खैर को कहते हैं भलाई और जो है शर को कहते हैं बुराई। अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया में किसी भी चीज के अंदर शर नहीं रखा, खैर ही खैर है, लेकिन कुछ के अंदर शर होता है वो भी अल्लाह ताला की मशीयत के ताबे हैं। लिहाजा किसी भी घड़ी को किसी भी वक्त को किसी भी महीने को मनहूस समझने का मनहूस समझने की हमारे अंदर कैफियत नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब की फतवा कमेटी का फतवा है, लोग ये कहते हैं कि साल के 300 दिन आसमान से बला उतरती, कहते समझ में नहीं आती कौन से कैमरे से नजर आता कि 300 दिन उतरती वो बला, और बोलते हैं सफर के आखिरी चाहशुम्बे में ज्यादा उतरती कदर, पता नहीं कहां समझ में नहीं आता। मैं तो समझता हूं इस तरह का अकीदा रखना खुद यह आजमाइश है। लिहाजा क्या बोलते हैं 300 साल आसमान से बला उतरती, आखिरी चाहशुम्बे को ज्यादा उतरती, उस दिन लोग क्या करते हैं अच्छे कपड़े पहन लेके ना लेके जाके हरियाली खुदलते हैं, बोलते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस वक्त बीमारी से शिफायाब हुए। हमारे पास आखिरी चाहशुम्बा मनाया जाता है उसका जो है यही बैकग्राउंड है। एक आलिम दीन कहते हैं देखो सफर के आखिरी चाहशुम्बे को लोग क्या करते, देखो आजकल तो हम ऐसे ही देखते हैं किसी भी दुकान में चले जाओ सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन लकर तुगरा बना लिया है, क्या बोले तो ये लगाए तो बरकत आती का देखा तो भी है। एक आदमी जो कम दुकान खोलने वाला है उसका अकीदा सही है, नमाजों की पाबंदी करया, सच बोला और उसी तरीके से हलाल कमाई खाया, झूठ नहीं बोला, बुरी कसमें नहीं खाया, अल्लाह ताला ऐसे ही बरकत दे देता। अगर आप हलाल कर नहीं कर रहे हैं हराम खोर हैं सब भी हैं लेकिन तोगरा लगा तो क्या दुकान में बरकत आ जाती, नहीं आती। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। इसी तरह एक दुकान में हम गए जाकर बोले हटा दो साहब ये, तो बोलता है मौली साहब मेरे से पहले कौन की यहाँ लगाया सोने मुझे नहीं मालूम, हटा देना ना आप क्यों नहीं हटाते, बोलता है थोड़े दिन के बाद हटा तो मेरी दुकान जो है ज़रा मतलब ज़्यादा डेकोरेशन करना चाहता हूँ। लिहाजा इस तरीके से उलमा कहते हैं कि सफ़र के आखिरी चाहशुम्बे को सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन आयत लिख लेके उसको क्या करते किसी तश्तरी में ज़ाफरान से लेको धो को पीते, बोलते नहुसत दूर हो जाती, बरकत का अकीदा आता है। इब्न रजब हम्बली रहिमहुल्लाह कहते हैं व कसीरु मिनल जुहाल यतशावमु बिसफर व रुब्बमा यनहा अनिस सफर फी व तशावम बिसफर मिन जिन्स तियरति लती मनहा अनहा। इब्न रजब हम्बली रहिमहुल्लाह कहते हैं अक्सर जाहिल किस्म के लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं, अक्सर जाहिल किस्म के लोग सफर के महीने को मनहूस समझते हैं, इसी तरीके से वो सफर के महीने में भी जो है सफर भी नहीं करते।
आजकल आप देखते कभी कभी इंसान क्या करता, पूरी तैयारी करको अपने बीवी बच्चों को रो को लपेट को रो को निकल जाता, रास्ते में बिल्ले वापस आ जाता। कई लोग ऐसे हैं, हम रास्ते में निकलते नज़र तोड़ को पानी डालते, क्या तो भी वो जो है हिंदुआ जो है वो पेठा डाल को रहते, उसको देखो डर जाते, वो लीमू घर में कोसा की पुरान आ गए उसको देखो डर जाते। क्या हमारा ईमान ऐसा है क्या किसी लीमू को देख कर डर जाए, क्या बिल्ली ने रास्ता काटो आ जाए, इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। लिहाजा इस महीने में लोग सफ़र भी नहीं करते इसीलिए देखो। और इस महीने में और एक बात ये भी आती है कि इस महीने में लोग शादी भी नहीं करते। अगर आपको शादी महल फ्री होना बोला तो दो महीने, एक तो सफ़र और दूसरे से शव्वाल, दो महीने में लोग शादी नहीं करते। रबीउल अव्वल में फुल शादी आती, क्या बोले तो सफ़र का महीना मनहूस, उस महीने में शादी करे तो हमारी बेटे बेटे पर बुरा असर पड़ता इसीलिए नहीं करते। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह कहते हैं जाहिलियत वाले लोग सफ़र के महीने को मनहूस समझते थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नज़रे को बातिल करार दिया। और एक बात सुनिए, आज की खुतबे एक बड़ी अहम है, किसी भी चीज़ के बारे में नहूसत का अकीदा रखना, ये परिंदे में ये है, वो वहाँ है, वो वहाँ है, वो गाड़ी में वो है, मेरी बीवी में वो है, अगर ऐसा अकीदा रखा तो समझिए उसके अंदर कुफरी अलामतें हैं। याद रखिए जो बंदा मोमिन होता है, जो मुसलमान होता है, वो किसी भी चीज़ के बारे में शर्क अकीदा नहीं रखता। देखिए मैं खुतबे को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बातें आपके सामने कहना चाहता हूँ। याद रखिए अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे और आपके मुकद्दर में जो लिखा है वो होकर रहेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ। اللہ اکبر، یہ آیت تو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونا، یاد کر لیجیے آیت یہ۔ اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اعلان کرو لَنْ يُصِيبَنَا ہم کو کوئی بھی چیز ہرگز پہنچ نہیں سکتی إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے۔ اسی لیے بولتے مقدر میں جو لکھتا ہے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یہ اسی لیے دیکھو ہم لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو ہسپتال کو جاتے، بیمار کیا علاج، ڈاکٹر کیا کرتا، ہماری بیماری کا علاج کرتا، وہ ہماری موت کا علاج نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ کیوں؟ ہوا مولانا، اللہ تعالیٰ ہمارا آقا ہے۔ کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، سارے بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ شوقانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیکھیے کتنی اچھی بات ہے، جب بندے کو مقدر کا پتہ چل جاتا ہے تو اسے ماشاءاللہ مصائب کو جھیلنا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ ہیں بیمار ہوئے تو اللہ کو گالی دیتے ہیں، کیا نحوست بھئی ہے، یہ کئی کو اللہ تعالیٰ سے بیمار کر رہا ہے۔ یاد رکھو اللہ اپنے بندوں کو آزما تکلیف میں ڈالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی مذہب میں اگر کسی انسان کو بخار آئی تو کیا انہیں یہ عقیدہ رکھتا، کیا یہ بخار آئی تو میرے گناہ جھڑتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جب بندے کو بخار آتی ہے ماشاءاللہ اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی خیر اور شر رکھا ہے، خیر تو اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اپنی زندگی میں جو بھی تکلیف پریشانی مشقت آتی ہے اس کا ذمہ دار اللہ نے، اس کا ذمہ دار ہماری اپنی ذات ہے۔ اللہ نے اس بات کو سورہ نساء میں یوں بیان فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، لوگو زندگی میں تمہیں کوئی بھی خیر ملتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور کہا زندگی میں جو بھی تکلیف پہنچی اصل میں یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ اللہ آگے فرماتا ہے قل کل من عند اللہ، حالانکہ خیر کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، شر کو پیدا کرنے والا اللہ بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف برائی کی نسبت نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات آپ کو بتاتے، غور سے سنیے، بات یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو وہ پھل کا درخت کھانے کے پاداش میں دنیا میں جو ہے بھیج دیا، تو اس وقت آدم کا انداز دیکھو کیسے ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاصرین کہہ کر ماشاءاللہ توبہ کر لی۔ لیکن شیطان کو دیکھو کیسے بے ادبی کرتا ہے اللہ کے ساتھ، کہا رب بما اغویتنی، اے اللہ تو مجھے گمراہ کریا، سو نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو اللہ کی طرف کا بھی برائی کی نسبت نہیں کرنا، ایسا نہیں بولنا کہیں کو اللہ یہ مہینہ پیدا کریا کہ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے مر جاتے تو ماں کیا بولتی معلوم، اللہ کہیں کو چھوٹی جان کو لے
ले लिया, उसकी जगह मुझे ले लेना था। याद रखिए ये सब तकदीर के ख़िलाफ़ बातें हैं। एक मोमिन तकदीर के ख़िलाफ़ बात नहीं करता, अल्लाह की तरफ बुराई की नस्बत नहीं करना। कभी आप बोलते हैं क्या आए अल्लाह तो खंजीर को पैदा करे, बोलते हैं नहीं बोलते हैं ऐसा। इसीलिए हज़रत इब्राहिम को देखो, पैदा होने पर बीमारी आई तो क्या बोले, आए अल्लाह तो बीमारी नहीं दिया, तू बीमारी दिया, नहीं बोले। कहने लगे वईज़ा मरीज, तो जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा देता है। हज़रत अय्यूब को देखो माशाल्लाह, 18 साल तक आजमाया गया लेकिन ये बने अल्लाह कहीं कोई इतना लंबा आजमा रहा तो दूर कर भी नहीं, बोले अल्लाह अकबर। हज़रत अय्यूब का कमाल सब्र देखो, कहने लगे अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु वा अंता अरहमुर राहिमीन। रिवायत आती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में अल्लाह के सामने खड़े होकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते। उस तहज्जुद की नमाज में दुआ करने का अंदाज देखो कैसे है, वल खैरु कुल्लुहु फी यदैका वश्शर्रु लैसा इलैक, ऐ अल्लाह जो भी खैर है दुनिया में, जो भी भलाई है वो तेरे हाथ में है, वश्शर्रु लैसा इलैक, ऐ अल्लाह बुराई तेरे तरफ से नहीं है। अल्लामा मुनावी रहिमहुल्लाह कहते हैं अश्शर्रु ला युज़ाफ़ु इलल्लाहि लिहुस्निल अदब, अल्लाह की तरफ बुराई की नस्बत नहीं की जाती। कभी कभी हम बड़े लोगों को खुद देखते, अगर बाप और माँ गलती कर लिया, अगर बेटा बोलिया तुम्हें कर लिया तो अम्मा बाबा मारते उसे। अल्लाह ताला की जात इससे ऊंची है, लिहाजा शर पैदा करने वाला अगरचे अल्लाह ताला है मगर शर की नस्बत अल्लाह तबारक व ताला की तरफ नहीं करना चाहिए। मौजूद हाजिरीन, बदफाली का ना हो सदका अकीदा रखना यह अल्लाह के बेअदबी है। अगर आप ये कहते हैं कि इस बिल्ली ने रास्ता काटा, उस उल्लू ने मेरे घर कर की उस उल्लू ने मेरे घर की बरकत खरीब मेरे घर की बरकत को ख़त्म कर दिया। बाज लोग बोलते गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो ये दलिंदर गाड़ी से गिर गिर को बस होगा बोलते, हालांकि वो गाड़ी दलिंदर नहीं, आप दलिंदर हैं। गाड़ी सही है, आप जब सबसे पहले लिए क्या उस पर रखकर आप दुआ पढ़े? आजकल तो लोग ईएमआई में गाड़ी लेते हैं, क्या ज़रूरत है लेने की? बाद लोगों देखते और ईएमआई में हम लोग जो है क्या करते हैं वो मतलब मोबाइल भी लेते हैं, ज़रूरत नहीं है। जितनी चादर उतना पर फैलाइए ना आप, क्या ज़रूरत है नया फ़ोन लेने की, क्या ज़रूरत है वो गाड़ी लेने की, हर महीना बंद रहने की, सूद है ना उसमें। लिहाजा इस तरीके से कोई भी चीज़ में नहुसत नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता, अल्लाह के नबी जब कोई नया जानवर खरीदते तो वही दुआ पढ़ते जो पहली रात में शौहर अपनी बीवी के पेशाने पर हाथ रखकर दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैरमा जबलतहा अली, ऐ अल्लाह इस तेरी ये बंदी है, तेरे बंदी में जो खैर रखा उसका सवाल करता हूं, ऐ अल्लाह इस बंदी के अंदर जो भी शर है उस शर से मुझे महफूज रख। अगर शौहर पहली रात को बीवी के पेशाने पर हाथ रख के दुआ पढ़ा, मैं समझता हूं अगर औरत के अंदर नहुसत भी है तो मान लो माशाल्लाह शौहर बच जाएगा, अगर दुआ नहीं पढ़ा तो क्या होगा, पूरी जिंदगी उस औरत के अंदर अल्लाह न करे कोई भी नहुसत है तो आ जाएगी। लिहाजा बदफाली और नहुसत का यह जो रखना क्या है मुकम्मल तौर पर यह है अल्लाह का बेदबी है। और अल्लाह इब्ने हजर रहिमहुल्लाह तो कहते हैं ये नहुसत का बदफाली का अकीदा रखना ये अल्लाह के साथ बुरे गुमान के मुतरादिफ है। अगर आप किसी आदमी को देखे, ऐसे कई वीडियो मैंने देखे, आपको बताता हूँ, हमारे घर में काम करने वाले होते, सुबह ही उठते हमें अपने आदि में बोलते जरा पानी लाओ, उन्हें लाखों पानी देता, उसके चेहरे को देखते ही बोलता तेरे चेहरे मनहूस चेहरे को देखो मेरे पूरे जिंदगी काम बर्बाद होगा, जोर से मार लेता उसे। याद रखो कोई भी शख्सियत कोई भी खादिम मनहूस नहीं होता, लिहाजा ये बोलना तुम्हारे चेहरे को देखा तो पूरा काम खराब होगा। बाज लोग बोलते तुम्हारे चेहरे को देखा तो माशाल्लाह दिन भर अच्छी कमाई है, याद रखो किसी भी चीज में शख्स में परिंदे में बिल्ली में कोई खैर और शर नहीं है, लिहाजा इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और उस तरह से बात याद रखें बदफाली का और नहुसत का जो अकीदा है एक मुसलमान का नहीं हो सकता जो अपने पास ईमान की तहारत रखता है, जो अपने रब के साथ माशाल्लाह अच्छा गुमान रखता है वो बदफाली में नहुसत के अकीदे में पढ़ ही नहीं सकता। बल्कि कुरान तो कहता है बदफाली का नहुसत का अकीदा रखना ये मिजाज जो है काफिरों का है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़म पैगंबर, क्या कोई नबी मनहूस हो सकता क्या? बल्कि हजरत मूसा को मनहूस बोलने वालों के अंदर खुद ना हो सकती। कहने लगे वइन तुसिबहुम सय्यतुन यत्तय्यरू बिमूसा वमन मअह, अगर जो है बनी इसराइल को तकलीफ होती तो बोलते ऐ मूसा तेरे ऊपर ईमान लाने वालों की वजह से हमारे ऊपर परेशानी है। कौम समूद ने भी सालेह से कहा था ऐ सालेह तुम्हारी वजह से और तुम्हारे साथ जो लोग हैं उनकी वजह से हमारे अंदर नहुसत है। कभी कभी ये तजुर्बा देखिए, बसों में हम बैठते हैं मुसलमान मर्द हो
या औरत, हम जैसे ही किसी गैर मुस्लिम के बाजू बैठते हैं तो वह हमारे आप अपने आप को बर्दाश्त नहीं करता, उन्होंने क्या करते हमारे से कराहत करते, हालांकि देखे तो हमारा अकीदा कुछ भी, हमारे कपड़े कैसे कि क्या की, अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत मुझे आपकी ईमान की तहारत है, मगर ये कमीने ऐसे हैं कुफ्फार मुशरिकीन अपने अंदर कुफ्र शिरकी अकीदे की नजासत रख ले कि हम अपना गंदा समझते। अभी बेंगलोर आ रहा था मैं, रास्ते में मैंने देखा इधर भी गैर मुस्लिम में इधर भी कदम से बीच में मैं बैठा हूँ, देखते रहे जब सीटें खाली दोनों उठ के चले गए, क्या मुसलमानों को मनहूस समझते, बल्कि इस मुल्क में काफिरों का मुशरिकों का कहना है मुसलमान मनहूस हैं। मैं समझता हूँ जहाँ मुसलमान है वहाँ नहूसत नहीं आती, लिहाजा इस तरीके से कुफ्फार मुशरिकीन अपने अंदर नहूसत रख के सबको मनहूस समझते। इसीलिए एक जुमला मशहूर है, यरखान के मरीज को हर चीज़ पीली नजर आती, जांडी जब हो जाता ना आंखियाँ पीले हो गए तो पूरी दुनिया उसे पीली नजर आती। इस तरीके से ये लोग अपने अंदर कुफ्र शिर्क अकीदे की नजासत रखकर नाऊज़ बिल्ला हमारे अंदर से नाऊज़ बिल्ला जो है मनहूस समझना चाहते हैं। इस तरीके से मोहतरम हाज़रीन पर्दों परिंदों से नहूसत का अकीदा रखना बहुत होता है। अरबी जबान में परिंदे को तायर कहते हैं, तायर उसी से यह तियारा का लफ्ज भी आया है। अल्लामा बिन बाज़ रहीमुल्लाह से पूछा गया, शेर दुनिया में लोग जो है क्यों परिंदों से बदफाली लेते हैं, तो कहा देखो बाज लोग होते हैं अगर उनके घर पर बैठकर उल्लू एक मरतबा पुकार दलिया बड़ी परेशानी आ गई, बाज लोग बोलते कौवा ज्यादा पुकारा तो तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं। ये कहाँ से है, ये हमारे घर में जो मोअम्मर खवातीन दादी नानी होते ना उन्होंने वैसे बातें करते, हमें उनकी बात नहीं सुनना बल्कि अदब से माशाल्लाह उनकी इसलाह करना चाहिए। और बाज लोगों को हम देखते हैं कि रास्ते में गद्दे को देख के तो वापस आ जाते, बाज लोग बोलते हैं कि वो बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया है, और बाज लोग काले कुत्ते को देखते तो बोलते क्या की परेशानी आने वाली भी हमारे घर में, और बाज लोग क्या करते हैं वो पुराना लीमू रहता वो फ्रिज के अंदर रखो रहता, वो जैसे ही फ्रिज का डोर खोल नीचे गिर जाता है कौन गलत दलदल है हमारे घर में पुराना लीमू। इस तरीके से चीजें हमारे जन में आती हैं, लिहाजा गधे को देखकर बाज लोग शेर को देखकर नाऊज़ बिल्लाह क्या करते हैं बदफर लेते हैं। और बाज लोग होते हैं देखो चाशुंबे को सफर नहीं करना, हफ्ते को सफर नहीं करना, बुरा वक्त है। बाज लोगों को देखते हैं वो सूरज गिरन आता है चांद गिरन आता है हामिल औरतों को बाहर नहीं भेजते, बोलते हामिल औरत सफर सूरज गिरन चांद गिरन हो गया तो अपने हाथ में क्या भी चाकू नहीं लेना, उन्हें रात में 12 बजे पेशाब जान डरते क्या शैतान आने वाला है, दिन में 12 बजे वहाँ शैतान आने वाला है। इस तरह की तवहम परस्ती, इस तरह के बेकार बातिल अफकार नजरियात नहीं होना चाहिए। याद रखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस तरह की हमें चीज़ें नहीं समझाई। मोदस हाजरीन बदफाली और नहूसत का अकीदा रखना हराम है। अगर आप किसी परिंदे के बारे में अकीदा रखते, बिल्ली के बारे में अकीदा रखते या किसी उल्लू के बारे में अकीदा रखते हैं तो यह अकीदा हराम है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम, आगे कहा व अन तस्तक्सिमु बिल अज़लाम। इस आयत की तफसीर में मुफसरीन ने क्या लिखा, देखो आप क्या करते हम लोग अगर जाना हो तो फाल जा को देखते, तुम्हारे हाथ में 80 पर एक लिखो है, तुम्हारा नाम यस से शुरू होता ऐसा होने वाला है, सोशल मीडिया में सुबह है हर जगह लोग देखते हैं आप फुटपाथ पर एक आदमी जो है एक छोटा जो है वो क्या डब्बा ले लिया है उसमें जो है तोते को रख लिया है, क्या बोले वो बोलता उन्हें, उसके पास जाकर लोग नौज़ बिल्लाह जो है अपनी फाल देखते हैं, ऐसा होने ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बदफाली लेने के अकीदे को नहूसत के अकीदे को शिर्क करार दिया है। सही रिवायत में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तियरतु शिर्कुन, आपने फरमाया कि बदफाली लेना शिर्क है, अत्तियरतु शिर्कुन बदफाली लेना शिर्क है। इस हदीस की तशरीह में इब्न खुतैबा रहिमहुल्लाह ने बड़ी अच्छी बात बताई, कहा यह बदफाली लेना परिंदों से दरख्तों से वक्त से इधर उधर से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको शिर्क क्यों कहा, शिर्क कहने की वजह कि बंदा यह समझता है फला परिंदे के अंदर मेरा जो है नफा है फला परिंदे के अंदर मेरा नुकसान है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन रद्दतु तियरतु फ़क़द अशरक, जो आदमी बदफाली लेता है गोया उसने शिर्क किया। जैसे मैंने कहा एक आदमी घर से निकला रास्ते में बिल्ली आ गई फौरन वापस आ जाता है, हमारे बच्चे भी जो है कभी बीवियां भी औरतें भी बाहर निकलती हैं इस तरह की गैर जरूरी चीजों को बातिल अफकार नजरिया चीजों को देखकर नाऊज़ बिल्लाह हम भी मुतासिर हो जाते हैं। बात याद रखें कोई भी गैब का दावा करने वाला कोई होता है उन्हें क्या बोलता, अगर तुम्हारे नाम के शुरू में स्वाद हो तुम ना बड़ी परेशानी आने वाली है, अगर तुम्हारे नाम के शुरू में सीन है तुम्हारी परेशानी
परेशानी आने वाली है, तुम्हारे जो है तिजारत में धोखा होने वाला है, उनकी बड़ी परेशानी आने वाली है। इस तरीके से बदफली लेने से, नहुसत का अकीदा रखने से, इल्म गैब का दावा भी आता है। और बंदा क्या करता है, बिल्ली से ये उल्लू से अगर हम जो है अपने नफा और ज़रर को अगर जो है मिला लेते हैं, ऐसे मालूम होता है कि हम गैरुल्लाह से डर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैस मिन्ना मन ततय्यर औ तुतय्यर लह। आपने फरमाया कि जो आदमी बचवाली का अकीदा रखता है, जो नहुसत का अकीदा रखता है, वो हम मुसलमानों में से नहीं है। बाज लोग होते क्या तो भी काम करने के लिए निकल को जाते, काम नहीं हुआ तो बोलते कौन की क्या की कर्दा लिया है मुझे, कौन की क्या की कर्दा लिया है मुझे। और बसा औकात क्या करते, लोग ज़मीन लेके रखते, वो जकीन वो ज़मीन बिको नहीं बिकती, वो लोग क्या बोलते कौन की मेरी ज़मीन क्या कर्दा ली है। कोस तो मौली साहब को बुला जाकर वहाँ बैठ कर रुकिया कराते, पानी मारते, क्या ज़रूरत है। इस तरह की जैसे हमारे माशरे में वहम परस्ती बोलो मत, इस तरीके से हमारे माशरे में बहुत बुरी तरह आ रही है। इब्ने हजर रही मोहल्ला कहते हैं, बदफा ले लेना नहोसत का अकीदा रखना दोनों एक है। बिलाखिर ये बिल्ली को देख कर डर जाना, ये शेर को देख कर डर जाना, उल्लू को देख कर डर जाना, ये क्यों होता है। उलमा बताते हैं कि ये तौहीद की कमजोरी की वजह होता है। जैसे खुतबे के शुरू में मैंने कहा, ये कुफ्रिया मुशरिकाना माहौल में लेकर हम भी आधे काफिर हो गए, बस नमाजों की हद तक हम मुसलमान हैं, वरना हमारा अकीदा सही नहीं है। और ये बदफालिया और नहोसत के अकीदे को और ज्यादा आगे बढ़ाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, अखबारात का बहुत बड़ा किरदार है। और फुटपाथ पर बैठकर जो लोग काहिन गैब का दावा करते हैं, हाथ देखकर बताते हैं ऐसा ऐसा होने वाला है, नऊज़ु बिल्लाह, उनमें भी पड़ जाते हैं। अल्लाहु अकबर, ये क्या हदीस है। हजरत बुखारी में रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा के बारे में फरमाया, और दुनिया हदीस ये कहा, मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। कितनी बड़ी, 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के दाखिल होंगे। सहाबा इकराम को परेशानी हुई, वो कौन खुश नसीब होंगे जिनका क़ियामत में हिसाब ना हो, वो कौन खुश नसीब होगा जिनका हिसाब व किताब ना हो, 70,000 जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर हम इन 70,000 में से बनना चाहते तो हमें क्या करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार चीज़ें बताई, अगर ये चार चीज़ें मेरे और आपके अंदर हैं, अल्लाह ताला हम सबको हो सकता है उन 70,000 लोगों में से बनाए जो बगैर हिसाब व किताब के दाखिल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली 70,000 जन्नत में जाने वालों की सिफत बयान करते हुए कहा, हुमुल्लज़ीना ला यततय्यरून, जो कभी बदफाली नहीं लेते, बदफाली नहीं लेते। दूसरा ये है, वला यस्तरकून, जो दूसरों से झाड़ फूंक भी नहीं कराते। हमारे मुआशरे में कभी कभी औरतों पर मर्दों पर भी जिन्नत और शैतान का असर होता है, होना तो ये चाहिए, हम में से हर एक आदमी अपना खुद झाड़ फूंक करे। आजकल तो ऐसे होता है, मजाक बन गया झाड़ फूंक करना, लोगों ने लेबल लगाए। और बाज ऐसे लोग भी हैं ऑनलाइन जो है वो रुखिया करते हैं, बहरीन में मरीज है, यहाँ से बैठ के ऑनलाइन में जूम में जो है मतलब झाड़ फूंक करके वो स्क्रीन को फूंकता है और बोलता है मेरे अकाउंट में 50,000 डालो। ये क्या है ये। आप फरमाते हैं दूसरों से झाड़ फूंक कराने वाले जब वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर कुछ भी हुआ शौहर को चाहिए कि वो अपने बीवी को पढ़कर फूंके, अगर बीवी को कुछ हुआ तो शौहर को पढ़कर फूंके। देखो कैसा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल। आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हो गए, सुबह शाम आप कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ नहीं पा रहे। आपने आयशा से फरमाया, आयशा मैं बीमारी की हालत में पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लिहाजा एक काम करो तुम मुझे पढ़कर फूंको। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का किरदार देखो, आपकी खिदमत देखो, आपकी तीमारदारी देखो। आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कमरे में, मेरे बारी में, मेरे जो है गोद में थे, मैं बासुबह शाम अल्लाह अकबर सूरह फलक और नास पढ़कर माशाल्लाह मैं फूका करती थी। मोहतरम हाजरीन, दो तीसरी सिफत बयान करते हुए कहा, वो दागने का इलाज नहीं करते। चौथा कहा कि माशाल्लाह वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर हिसाब किताब के 70,000 लोग मेरी उम्मत के जो खुश नसीब दाखिल होंगे, चार सिफतें आपने बयान फरमाई। ये देखो सहाबा की हिर्स कैसी है, क्या कमाल ईमान था, क्या पुख्ता तौहीद थी। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत उक्काशा रज़ियल्लाहु अन्हु, फौरन खड़े हो गए, अमीन हुमा या रसूल अल्लाह, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं उन
70,000 खुश नसीबों में हो सकता हूँ क्या? आपने फरमाया अंत मिन होम, इंशाल्लाह तुम उन लोगों में से हो। सहाबा की हिर्स देखो, दूसरे भी खड़े हो गए, पूछने लगे अन्न मिन होम या रसूल अल्लाह मैं भी उनमें से हो सकता हूँ क्या? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत देखो, अगर अल्लाह के नबी चाहते तो बोल सकते, तुम उसमें से नहीं हो सकते। आपने ये फरमाया तुम इस बात के लिए तुम्हारे एक सहाबी तुम्हारे से भी आगे बढ़ गए। लिहाजा क्या मालूम हुआ, अगर हम बिल्लियों को देखकर उल्लू को देखकर अगर डरते रहे नहोसत का, या जो है वो बदफाली का अकीदा रखे, याद रखो अल्लाह ताला हमें इन 70,000 की फहरिस्त में से निकाल देगा। बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। अगर हम बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं, हमें चाहिए कि हम मुकम्मल तौर पर अपने ईमान को और अपने तौहीद को मुकम्मल तौर पुख्ता करें। मौजूद हाजरीन, हमारे मुआशरे मशहूर है दुनिया में नहोसत तीन चीज़ों में से है, उसकी वजाहत भी कर देता हूँ। एक रिवायत आती है बुखारी में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वशुमु फी सलात, कहा कि नहोसत तीन चीज़ों में है। क्या फरमाया? सबसे पहले औरत में है, दूसरे नंबर पर बयान फरमाया घर में है, तीसरा फरमाया जानवर में है। इस हदीस को लोगों ने गलत समझा, ये बात याद रखिए। हमारे उलमा को भी अल्लाह हिदायत दे, कुरान हदीस को सलफ के तरीके पर समझाना। हम क्या करते हैं, खोल लेते सलफ के अखवाल देखते ने लोग गलत तरीके से लोगों को हदीस समझाते। याद रखिए इब्नुल कय्यिम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं सिहतुल फहमी मिन आज़मी मा अनअमल्लाहु अला इबाद, याद रखो अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस को सही समझने का अगर मौका दिया तो यह भी अल्लाह की बहुत बड़ी नियमत है। याद रखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन चीज़ों में नहुसत जो बताई, इसको समझने के लिए बात याद रखो, इन तीन चीज़ों में नहुसत नहीं है। कुछ लोगों को हम देखते हैं कि फ़कीरों को और कम हैसियत लोगों को मनहूस समझने लगते हैं, लिहाजा इन तीन चीज़ों में नहुसत का क्या मतलब है ज़रा समझ जाइए। अगर आप अपनी बीवी को मनहूस समझ रहे हैं, अपने घर को मनहूस समझ रहे हैं, अपने गाड़ी को मनहूस समझ रहे हैं, तो आज से इस खुतबे के ज़रिए उस गलत फहमी को निकाल दीजिए। उलमा ने क्या कहा, हज़रत सहल इब्ने साद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर नहुसत पाई जाए तो इन चीज़ों में पाई जाती है। बाज़ उलमा ने बताया अगर नहुसत हो सकती है तो इन चीज़ों में हो सकती है, और बाज़ लोग औरत में घर में गाड़ी में घोड़े में नहुसत क्या मतलब समझते। माशाल्लाह उलमा ने उसका भी जवाब दिया, कहा दुनिया में नहुसत काम ही पैदा हो सकती है मगर नहुसत तीन चीज़ों के मुकाबले में इसमें ज़्यादा पैदा होती है। मैं आपको हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस सुनाकर अपने खुतबे को आगे बढ़ाता हूँ। तहावी में अबी हसन रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, वो कहते हैं बनू आमिर के दो लोग हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के अन्हा के पास आए और आकर बोलने लगे अबू हुरैरा ने हया हदीस बयान की है, घर में घोड़े में और जो है सवारी में क्या है, औरत में जो है क्या है, वो नहुसत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब यह जुमला सुना तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को गुस्सा आ गया, गुस्सा आकर कहने लगे वल्लज़ी नज़ल अल-क़ुरान अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा क़ालहु रसूलुल्लाह क़त्तु, कसम खाकर कहने लगी कसम है उस ज़ात की जिसने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बियत पर क़ुरान उतारा है, अल्लाह के नबी ने कभी ऐसी बात नहीं कही। अल्लाह के नबी ये घोड़े में घर में और सवारी में जो बोले औरत में नहुसत का मतलब क्या था, इन्नमा अहलुल जाहिलियति कान यतग़य्यरू ज़ालिक, जाहिलियत के लोग इन तीन चीज़ों में वो नहुसत समझते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस चीज़ में नहुसत है समझो बल्कि आपने नहीं बताया। बाज़ उलमा ने इसकी वजाहत बयान करते हुए कहा मामर कहते हैं औरत के अंदर नहुसत कब आती है, जब उसकी सही तरबियत न की जाए। आजकल देखो हमारी लड़कियां भी वो MBBS पढ़ने ABS पढ़ने के लिए जाती हैं, वहां जाकर किसी गैर लड़के से शादी कर लेके चली, ये नहुसत है। अगर हम उसकी सही तरबियत करें ये नसीहत जो है क्या है, नहुसत है। अगर औरत को बच्चा नहीं होता, बाज़ उलमा ने कहा यह नहुसत है, और अगर घोड़े को अगर फख्र के लिए पाला जाए तो इसमें नहुसत है। और बाज़ लोगों को हम देखते 150,000 की गाड़ी लेता, क्या जरूरत है 50,000 की जब गाड़ी आती तो 150,000 गड़ी क्या है, लोगों पूछना कहाँ से लिए ये। लिहाजा कहा जो आदमी रियाकारी के लिए क्या करता है, गाड़ी लेता है घर लेता है, उसमें भी नहुसत आ सकती है। घर में नहुसत का मतलब ये है, दो मतलब बताया, कहा घर में रहने वाले लोगों की बदअमालियों की नहुसत है। आज हमारे घरों में क्या कुरान की
आवाज़ आती है? क्या आज हमारे घरों में अल्लाह और उसके रसूल की आवाज़ आती है? दिन भर मोबाइल चलाओ मोबाइल चलाओ, सूरह कहफ भी नहीं पढ़ते जुमा का दिन आया तो। लिहाजा घर में रहने वालों पर, घर में रहने वाले बुरे लोगों के बुरे आमाल की नहुसत का असर पड़ता है। और आपने ये भी फरमाया घर की नहुसत का मतलब ये भी है, घर में है बाजू वाला पड़ोसी है, वो पड़ोसी की बुराई की वजह से आपके ऊपर भी असर पड़ता है। इसीलिए अरब कहा करते थे उतलुबुल जार कबलत दार, जहां आप घर लेते सबसे पहले बाजू अच्छा पड़ोसी की तलाश करो। अगर आपका पड़ोसी बुरा है तो समझ जाइए आपके घर में भी नऊजुबिल्ला नहुसत आ सकती है। मैं समझता हूँ शिया और बिद्दती हजरात नऊजुबिल्ला नहुसत और बदफाली केस में आते हैं, खुतबे के आखिरी में पहुंच गए हम। ये बदफाली और नहुसत जो आते हैं उसका कफारा क्या है, उस पर अपनी बात को खत्म करते हैं। सबसे पहली बात, ये बिल्ली में या उल्लू में जो नहुसत आती है उसको, उस नहुसत को खत्म करने के लिए सबसे पहले अपने तौहीद को पुख्ता करो। आप देख सकते हैं सहाबा किराम में कौन तो भी बिल्ली को देखकर डरे क्या, बल्कि शेर को देखकर भी नहीं डरते थे। एक वाकया है, हमारे पास वक्त कम है, हजरत सफीना रजी अल्लाह अन एक दिन जो है सारे काफिले वालों का सामान लेकर पीछे चल रहे हैं, सामने पूरे साथ काफिले वाले जा रहे हैं। जब आदमी के पास कुछ भी ना हो तो इंसान तेज तेज चलकर जाता है, इनके पीठ पर पूरे सारे सारे काफिलों वालों का सामान है। आहिस्ता आहिस्ता चले, काफिले वाले कांगी जगह पहुंच गए, इनके पास भागा ही वो लेकर आहिस्ता गए छीस जंगल पहुंच गए। अल्लाह अकबर, जंगल पहुंचे सामने शेर खड़ा है। हमारा क्या हाल होता है, हम तो तस्वीर में देखकर शेर को डर जाते हैं, अगर जू में गए तो पिंजरे में देखकर शेर को डर जाते हैं, अगर किसी आईने के पीछे छुपा हो तो शेर का डर रहे हैं। क्या तरबियत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों की? सफीना ने जैसे ही गुलाम को देखा, जैसे ही शेर को देखा तो कहा या अबुल हारिस औना माना मौला रसूलुल्लाह, अय शेर सुन ले मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। सफीना कहते हैं जैसे ही मैंने शेर के सामने एक जुमला बोला, शेर अपनी दरिंदगी छोड़कर माशाल्लाह मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। उसके बाद कहते सफीना रजी अल्लाह अन्हु, मेरे दिल से डर भी चला गया। उसके बाद क्या हुआ? सफीना कहते हैं मेरे पास जितने बैग थे वो बैग मैंने शेर की पीठ पर रखा, मुझे शेर अल्हम्दुलिल्लाह मारे बगैर डराए बगैर जिस काफिले से मुझे मिलना था माशाल्लाह उस काफिले तक जाकर पहुँचाया। इस जो है करामत को अल्लामा इब्ने तैमिया, इमाम अहमद और इमाम हाकिम और दीगर उलमा ने माशाल्लाह जिक्र किया। इसी तरीके से हमें ये जो है नहुसत की अकीदे से बचने के लिए अपने आप को अपने ईमान में इजाफा के दुआ करना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला मतुरी दुआ करते थे अल्लाहुम्मा ज़िदना ईमानन व यकीनन व फिक्हा, और ये बदफाली और नहुसत से बचने के लिए अल्लाह पे तवक्कुल होना चाहिए। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हम में से हर एक बदफाली और नहुसत के अकीदे में पढ़ सकता है, लेकिन अल्लाह पे तवक्कुल करने से माशाल्लाह वो चीज़ दूर हो जाती है। बाज़ उलमा कहते हैं बंदे को माहौल से मुतासिर नहीं हुए बगैर अल्लाह तबारक व ताला से खैर का सवाल करना चाहिए। और ये बात भी याद रखो, जाहिलियत में शव्वाल के महीने में लोग शादी करने को मनहूस, हमारे माशरे में भी है वो, रमज़ान में शादी नहीं होती, शाबान में हुई तो फिर जो है शव्वाल के बाद ज़ी ख़िदमत करते लोग। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं माशाल्लाह मेरी शादी भी शव्वाल में हुई, मेरी रुख्सती भी अल्हम्दुलिल्लाह शव्वाल में हुई, मगर मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो है किसी भी नहुसत का असर नहीं पड़ा। इस तरीके से मोहतरम हाजरीन, अगर हम जो है ये नहुसत के अकीदे बचना चाहते हैं तो हमें दो दुआओं का अहतमाम करना चाहिए। मुस्नद अहमद की रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहुसत का कफारा बयान करते हुए कहा अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुक वला तैरा इल्ला तैरुक वला इलाहा गैरुक। अबू दाऊद में उरवा बिन आमिर रहिमहुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत आती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहुसत से और बदफाली के अकीदे से बचने के लिए दुआ फरमाई, कहा अल्लाहुम्मा ला याती बिल हसनाति इल्ला अंत वला यदफउ सय्याति इल्ला अंत वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिक। इसी तरीके से हमें हालात से हमें नेक फल लेना चाहिए। देखो सुलह हुदैबिया का मौका, हजरत सहाबा कराम परेशान, हालत अहराम में है, परेशानी हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त देखा कुफार और मुशरिकीन की तरफ से सुहेल नामी आदमी आए। सुहेल का मतलब क्या होता? आसान करने वाला। आपने सुहेल को जैसे, हालांकि वो काफिर थे, आपने सुहेल को देखा तो फरमाया इंशाल्लाह मुआमला बहुत आसान होगा। यही हमको चाहिए, हम अपने बच्चों का नाम उमर रखें, अपने बच्चों का नाम अबू बकर रखें, लेकिन हम तो वो नहीं रखते, फिल्मों में काम करने वाले लोगों का नाम रखते हैं। स्कर्ट पहनकर खेलने वाली लड़की का नाम अपनी लड़कियों का नाम रखते हैं, कैसे होगा? इस तरीके से हमें नेक फाल लेना चाहिए। और उसी तरीके से हमें नहुसत से बदफाली से क्या होता है, जिंदगियों का सुकून खराब हो जाता है।
घर में सुकून से थे, बाहर निकले, काली बिल्ली आ गई, भाग को आ गए। देखो दिल की क्या कैफियत थे, रात में वो ख्वाब में दिखता, इससे क्या मालूम होता है, नौसत और बतवाली लेने से जिंदगी का सुकून खत्म हो जाता है। लीमू को देख कर मत डरो, लाल पानी को देख कर मत डरो। ये काफिरा क्या करते, वो पेठा पूजा घर को फोड़ को डालते, हमें उसको देख कर डर जाते। अरे नफा नुकसान का मालिक पेठा है, काफिर है, नफा नुकसान का मालिक तो अल्लाह तबारक व ताला है। लिहाजा इस खुतबे की आखिरी चीज़ है, ये नहुसत और बदफाली का अकीदा हमारी औरतों और बच्चों में बहुत है। औरतें बोल को भेजते, बेटे रात में कांतुबी लाल पान है तो देख को किनारे से चल जाओ। अरे घर से निकलने की दुआ पढ़ के अगर निकला बंदा, अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। इस तरीके से हमारे बच्चों के अंदर, औरतों के अंदर भी नहुसत का अकीदा है, बदफाली का अकीदा है। कौवा पुकारा तो बोलते, और बोलते डका रहे तो तुम ना कौन याद करने वाला है, अगर किसी को याद करे उन्हें फौरन अगर तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत लंबी हो जाती। लिहाजा इस तरह की गैर मुस्तंद बातें कभी नहीं करना चाहिए। खुतबे को यहीं रोकते कहना यह है, जैसे सफ़र या अल्लाह का महीनों में से एक महीना है, हमको चाहिए कि इस महीने की हर जो है लम्हे को अल्लाह की इताअत के लिए जो है जारी करें, और इस महीने में नहुसत का बदफाली का अकीदा नहीं रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सफ़र के इस महीने में अल्लाह की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। इस सफ़र के महीने की जो बिदअत है, नहुसत है, बदफाली का अकीदा है, तमाम से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी बीवियों के, अपने बच्चों की सही तरबियत करने तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान, हमारे ईमान में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा तौहीद पर जमे रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।